कहूंगा बीच मैदान पर जब मुकाबला चल रहा है तो जो दर्शक हमारे मैदान पर अंदर बाहर जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मैच के बाद ही जाइए आप। प्रमोद कोलीराम जाधव इनका मंच पर आगमन हुआ है, साथ ही मुदस्सर फक्की, आरिफ अब्दुल्ला पटेल इनका ही मंच पर आगमन हुआ है। हम सभी केपीएल ऑर्गेनाइज कमेटी की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। आइए मंच पर आइए, आपका स्वागत होगा। चले मैच की शुरुआत हो चुकी है और दूसरे मैच की पहली बॉल, अरे उनको बिटा इधर बिटा, यस अंपायर रन सिग्नल बताना आपका। चार के साथ मैच की शुरुआत की है। देखिए पिताजी का जलवा इससे पहले हमने देखा, पहले मैच में अब बेटे की बारी थी और चौके के साथ इन्होंने अपने बल्लेबाजी की शुरुआत की है। आराम पटेल इस बार बैकफुट पे जाके स्ट्रोक खेला था शॉर्ट कवर रीजन में और खेलते ही यहां पर एक जोखिम भरा रन लिया है, रिस्की सिंगल जिसे कहते हैं, और एक रन पूरा किया है लेकिन जान हथेली पे लेकर दौड़े थे। अगर गलती से डायरेक्ट हिट लगता तो कहीं ना कहीं काफी करीबी मामला हो सकता था। खैर ने प्रीमियर लीग 2024 पहली बार इतिहास के पन्ने में हमारे केपीएल का आयोजन मुनावर पटेल साहब के माध्यम से, जो हमारे स्थानीय नगर सेवक खिरने गांव के, और आप देख सकते हैं खुशियों की लहर और खुशियों की सौगात केपीएल के आप देख सकते हैं। ओ ये बॉल टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रहती हुई और गेंद हल्की सी स्किट भी हुई, उतनी उछाल नहीं ली गेंद ने, और अपने साथीदार बल्लेबाज से थोड़ी सी अब बातचीत करने जा रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज आराम पटेल, और स्ट्राइक पर बल्लेबाज आप देख सकते अरुण सोनी बॉलिंग मार्क पर गेंदबाजी करते हुए। मंसूर फकी एक बार फिर तैयार होते हुए गेंदबाजी छोर पर, ये शॉट अच्छा पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है, गेंद जाता हुआ गैप पे स्वीपर कवर रीजन पे, एक रन भाग के पूरा किया अरुण सोनी ने और मेरे ख्याल से एक ही रन मिलेगा। चलिए चलते मुनावर पटेल साहब की तरफ। तलोजा से हमारे मेहमान नौफिल सैयद जी आए हुए हैं, उनका केपीएल ऑर्गेनाइज कमेटी की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है नौफिल जी। हमारे हाजी इलियास पटेल भाई नौफिल पटेल साहब का सत्कार करेंगे, नौफिल सैयद साहब का सत्कार करेंगे। रमेश पटेल जी की तरफ से आराम पटेल के लिए इनामी राशि आता हुआ, हर एक सिक्स के लिए 200 का इनाम, 500 रुपए का इनाम यहाँ पर सिक्स के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए ये 100-200 से बात चलने वाला नहीं है, जमाना बदल गया है, महंगाई बढ़ गई है, कम से कम 500 का इनाम होना चाहिए तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाएगा। हाँ बरोबर, हर एक सिक्स के लिए 500 इनाम होना चाहिए। स्कोर हो चुका है 7, 500 से कम इनाम लगाए नहीं जाएंगे और अनाउंसमेंट भी नहीं किए जाएंगे। खर्चाएं बढ़ गई है काफी और अब 2024 का जमाना है तो 100-200 से कुछ होता नहीं है। हनी भाई की तरफ से अब इमरान पटेल अगर कैच पकड़ते तो 500 का इनाम और डाई लगा के पकड़ते तो 1000, और आरम पटेल, चलिए आरम पटेल के लिए अब इनामी राशि आता हुआ उनके पिताजी की तरफ से, लगातार 3 सिक्स लगाते तो 1000 का इनाम है अदनान पटेल की तरफ से आरम पटेल के लिए। पहला तो आ चुका है, क्या 2 और आएगा, हैट्रिक सिक्स लगा पाएंगे। स्कोर की तरफ आपको लेकर चलते दोस्तों, स्कोर हो चुका है कुल 13-13। बॉलिंग मार्क पर नए गेंदबाज आए, गेंदबाज का नाम बताना है अनवर, ओवर नंबर 2 में अनवर गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग करती हुई टीम, जो अभी भी दर्शक आए हुए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए, मुकाबला चलता हुआ शानदार और शानदार 11 और मुकाबला चलता हुआ अमान लायंस के बीच।
आरम पटेल स्ट्राइपर, गैप में शॉट खेला गया इस बार, रन देखना कितने मिलेंगे। ऑन साइड की तरफ खेलते हुए यहां पर दो की कॉल है और यशस्वी तरीके से दो रन पूरा किया गया। जो हमारे दर्शक आ रहे हैं केपीएल में, हम उनका जरूर स्वागत करेंगे हमारे आदरणीय मुनावर पटेल साहब की तरफ से। लेकिन रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि आप जो गाड़ी लगा रहे बिल्कुल पार्किंग एरिया में गाड़ी लगाइए, बीच रोड पर गाड़ी खड़ा नहीं करनी है ताकि बाकी गाड़ियों को आने जाने में तकलीफ ना हो। मुन्ना टांडेल साहब, इनका केपीएल कमेटी की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मुन्ना टांडेल साहब आए, मन साझा करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय इलियास पटेल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे खैरना गांव के भूमि पुत्र मुन्ना टांडेल इनका सम्मान करें। चलिए, बड़ा अनाउंसमेंट किया जा रहा है यहाँ पर और इनामी राशि आ भी गई है। निफाज जी पटेल की तरफ से आवेश पटेल के लिए यहाँ पर एक कैच के लिए 10,000 रुपए का इनाम, आवेश पटेल के लिए सिर्फ। देखा, देखिए इतना तो आईपीएल हो, बड़े बड़े प्रीमियर लीग होते इतना नहीं देखने मिलता और इनामी राशि आ भी गए। आज बैंक का छुट्टी है लेकिन एटीएम खुला है पूरे खेरने प्रीमियर लीग में। और हमारे कमिटी से विनती है कि जो भी आप सिक्सर के लिए इनामी राशि लगा रहे 500 से अधिक लगाइए। ओके, वसीम पटेल जी मंच पर उपस्थित है, मैं हाजी इलियास पटेल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका सत्कार केपीएल की ओर से किया जाए, केपीएल कमेटी की ओर से किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वसीम जी। भाई ये कैफ का जलवा है, आते ही यहाँ पर बल्ले से धमाका इन्होंने दिखाया, रन मिला है सिर्फ दो, लेकिन ये दर्शा रहा कितने उम्दा फॉर्म में है कैफ पटेल। देखिए नाम इनका कैफ पटेल है लेकिन पूरे अख्यात नवी मुंबई में इनका शानदार खेल हम देखते हैं। कैफ खान, कैफ खान और केके आप देख सकते मैदान पर आ चुके हैं। टीम का स्कोर हो चुका है टोटल 17-17। निफाजी पटेल की तरफ से आवेश पटेल के लिए एक कैच के लिए 10,000 आ चुके हैं। रशीद भाई पटेल यहां पर आए हुए, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए। रशीद भाई पटेल, हमारे राजा से भी रिक्वेस्ट है कि वो मंच पर आए। आइए मंच पर, आप दोनों का स्वागत है। देखिए खेरने प्रीमियर लीग में आज पैसे ही पैसे नजर आ रहे दोस्तों, इसीलिए तो मुनावर पटेल साहब ने ये खुशियां और सौगात लेकर आए हैं हमारे रमजान ईद से ठीक पहले केपीएल का आयोजन। और देख सकते हैं चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही है, सभी खिलाड़ी काफी खुश और हर एक सिक्स के लिए 500 से ऊपर इनामी राशि लगाया जा रहा है। इतना तो हमने आज तक नहीं देखा कि एक कैच के लिए 10,000 इनाम लगाया जाए, जो जमा भी हो चुका है। ये केपीएल है और केपीएल में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसे ही पैसे आपको देखने को मिलते हुए। स्कोर हो चुका है 2 ओवर के बाद 18। जय बस रेगड़े पूरे बस जय। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 18। चलिए बीच बीच में पैसों की अनाउंसमेंट करेंगे लेकिन स्कोर भी बताना जरूरी है हमें। रशीद जी पटेल इनका स्वागत, मैं रिजवान दीवान से कहूंगा कि रशीद जी पटेल इनका स्वागत करें। केपीएल ऑर्गेनाइज कमिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे हैं आवेश पटेल, जिनके लिए 10,000 का इनामी राशि है और आ भी चुका पैसे। ये बाउंसर डाला था इस बार गेंदबाज ने, अमन लायंस और मुकाबला चलता हुआ शानदार टीम के बीच। और स्कोर की तरफ आपको लेकर चलेंगे इस वाइड के साथ, तीसरा ओवर चलता हुआ मैदान के अंदर, स्कोर हो चुका है 19। शाहिद शेख बॉलिंग मार्क पर, दायां से ओवर द विकेट कैप्टन, पुल कर दिया इस बार ये पावरफुल शॉट, ब्यूटीफुल शॉट, सक्सेसफुल शॉट और आएंगे 6 रन। क्या बात है, हवाई हल्ला और आसमानी टोला, बल्लेबाज का बल्ला बोला, 6 रन ठोके डीजे।
देखिए आवेश पटेल को खड़ा किया कहां पे किया गया, जहां पर अब तक एक भी बॉल नहीं आई है। देखिए ऐसी जगह पे खड़ा कीजिए। ऑन साइड डिसीजन पे इस बार स्ट्रोक खेला, मिड विकेट की तरफ आता हुआ इस बीच सिंगल। हमारे खेरना गांव के भूमि पुत्र सुभानजी टांडेल, रजा फक्की, इन दोनों का मंच पर केपीएल कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। केपी थंडर्स और मापारे टाइगर्स टीम, आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। इनिंग ब्रेक में हम टॉस करेंगे, जो कैप्टन अवेलेबल नहीं रहेगा कमेटी की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो इनिंग ब्रेक में इस पहले इनिंग के बाद टॉस किया जाएगा अगले मैच का। ओहो ये लाजवाब स्ट्रोक है, घुटना टेक और दमदार कैच का प्रदर्शन देख भाई। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर प्रथम वहां पर खड़े थे तौसीफ और तौसीफ ने कोई गलती नहीं की, दमदार कैच पकड़ा गया इस बार। लेकिन चर्चा यही हो रही कि आवेश क्यों नहीं खड़ा हो रहे वहां पर। अरे भाई आवेश को वहां पर फील्डिंग लगाई है, क्योंकि 10,000 आ चुके हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं 500 की नोटें यहां पर रखी गई है, और यहां पर आवेश पटेल के लिए जो इनामी राशि 21 ग्रुप की तरफ से लगाया गया है निफास पटेल की तरफ से 10,000। अगला मैच महापारे टाइगर्स और केपी थंडर्स, और उसके बाद आरडीआर रिजवान दीवान राइडर्स की टीम भी खेलते हुए नजर आएंगे। मैं रिजवान दीवान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे रजा फक्की और सुभान तांडेल का सत्कार करें। स्कोर हो चुका है टोटल 26-26 रन, तीसरा ओवर चलता हुआ। विकेटों की बात करें, दो विकेट गिरे, आरम पटेल आउट हुए, और अब तक जो पिछली बॉल पर एक बड़ा विकेट गिरा कैफ खान का, ये इस मैच का सबसे मूल्यवान विकेट था। और कह सकते हैं इस मैच में अब शानदार टीम की वापसी अवश्य देखने को मिल सकती है। दाएं हाथ से ओवर द विकेट अगली गेंद, वो इस बार बैकफुट पे जाके गेंद को खेला था, ऑन साइड की तरफ खेलने का प्रयास था, ठीक तरीके से गेंद टाइम वन ही फॉलो थ्रू में खुद जाकर शाहिद शेख ने गेंद को यहां पर गैदर किया, फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक बल्लेबाज ने अपना छोर बदला है। एक रन मुकम्मल, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, बढ़ती कलम जिंदगी, अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 27 पर। निफास पटेल की तरफ से इस फील्डिंग टीम के लिए, यानी मात्र सिर्फ आवेश पटेल के लिए 10,000 का इनाम राशि रखा गया है एक कैच के लिए। क्या आज वो हम नजारा देख सकते हैं बीच मैदान पर। ओ इस बार गेंद को आसमान में तान दिया है, खिलाड़ी गेंद के तरफ जाते हुए थोड़ी सी हड़बड़ाहट, ओहो लाजवाब कैच, इमरान पटेल ने कोई गलती नहीं की, और देखिए कितना दमदार कैच पकड़ा है। फिटनेस देखिए, जरूर गोल मटोल है लेकिन कैच इन्होंने छोड़ा नहीं है, पकड़ लिया है कैच। और यहां पर कहते ना कैचेस विन द मैचेस, पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच। आइए डीजे अब आपकी बारी। देखिए तौसीफ कैच पकड़ रहे और हमारे खेरने के अर्जुन रणतुंगा यानी इमरान पटेल, देखिए हनी भाई की तरफ से मेरे ख्याल से कैच की इनामी राशि की गई थी 1,000 रुपए, वो जमा करना है। और ये प्यार और भाईचारा है हनी भाई का इमरान पटेल के ऊपर, और इन्होंने कैच पकड़ा। लेकिन एक ही सवाल, आवेश के पास बॉल जा ही नहीं रहा। हमारे खेरना गांव के इरफान उरनकर जी मंच पर आए हुए, उनका केपीएल ऑर्गेनाइज कमेटी की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इरफान जी आसन ग्रस्त ली। हाजी फकीर मोहम्मद पटेल फाउंडेशन पुरस्कृत प्रतियोगिता दोस्तों, यानी आजाद मैदान खेरने गांव का ये मैदान, खेरने प्रीमियर लीग 2024, और मैदान के चारों तरफ आप देख सकते हैं यहां पर खचा खच पूरा क्राउड आपको नजर आ रहा है। आज कह सकते हैं एक ही शब्द हम कहेंगे, केपीएल पूरा खेरने गांव खेलते हुए नजर आएगा आपको, पूरा खेरने गांव खेलेगा। स्कोर हो चुका है टोटल आप देख सकते हैं 28-28 रन। मैं बताना चाहूंगा दोनों टीमों को, अभी फिलहाल स्कोर हुआ 28-28, विकेट गिरे हैं 3। और बॉलिंग मार्ग पर अब युवा नया चेहरा खेरने गांव क्रिकेट का तौसीफ, जिन्होंने 2023 में काफी दमदार प्रदर्शन किया था गेंदबाजी के जरिए। इरफान उरनकर जी, इनका सत्कार हमारे इलियास हाजी साहब पटेल की तरफ से किया गया है, आपका बहुत बहुत
मंच पर स्वागत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सचिव साजेब राऊ पटेल, इनका मंच पर आगमन हुआ है, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे खेरना गांव के समीर जी माहिमी, इनका भी हम मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए समीर जी। देखिए सभी की चर्चा यही कि यहाँ पर रिजवान दीवान राजा पर इनका स्वागत हाजी इलियास पटेल साहब को करने का। ये अगली बॉल आप देख सकते हैं गेंदबाजी करते हुए तौसी और स्ट्राइक पर है कल्पेश उबाले, हमारे परम मित्र कॉलेज फ्रेंड हमारे, आप देख सकते हैं आज खेरने प्रीमियर लीग में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए कल्पेश उबाले। और बॉलिंग मार्क पर देखिए कौन गेंदबाजी कर रहा है, तौसीफ शेख ओवर द विकेट। वो इस बार पुल करने का प्रयास था, बैट के स्टीकर पर गेंद लगा, गेंद जाता हुआ इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर बैकवर्ड स्क्वायर के रीजन में डीपे खिलाड़ी वहां पे मौजूद है। और हनी भाई ने जो इनामी राशि रखी थी इमरान पटेल के लिए वो ₹1000 आ चुके हैं। खेरना गांव के हरफन मोला खिलाड़ी सिकंदर वहा, इनका सत्कार हाजी इलियास पटेल साहब करेंगे। देखिए काफी गंभीर नजर आते हैं हमेशा और अभी भी गंभीर चेहरा। ऑन साइड की तरफ इस बार खेलने का प्रयास था, हालांकि ऑन साइड 30 यार्ड सर्कल पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। डीपे से खिलाड़ी आते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ से गेंद को फील्ड करने के लिए एक रन मुकम्मल किया गया। आप देख सकते हैं अमित जी मेडिकर हमारे तुरबे गांव के कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक इस बीच थोड़ा सा रजा लेते हुए एक बार फिर हमारी खिदमत में ज्वाइन होंगे। एवन जोड़ी जय और वीरू की जोड़ी जब भी चर्चा की जाती है नवी मुंबई में, मुनावर पटेल साहब और अमित मेडकर जी। ओहो ये बॉल टपक थोड़ी सी नीचे रहती हुई और तेजी गति से रन लेने का प्रयास, डायरेक्ट हिट लगा लेकिन मेरे ख्याल से पहुंच गए आसानी से पहुंचे वहां पर कल्पेश। और अंपायर से मैं जानना चाहूंगा क्या बल्ले से रन है या 22 रन है और बैट से रन है। जी बिल्कुल, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 32 पर 32। देखिए ऑलमोस्ट रन बन रहे, 3-3 कैचेस पकड़े गए। एक तरफ तौसीफ ने कैच पकड़ा, हमारे खेरने गांव के अर्जुन रनोतुंगा यानी इमरान पटेल ने भी कैच पकड़ ली, लेकिन एक ही सवाल है 10,000 जमा है तो आवेश के पास यहाँ पर बॉल क्यों नहीं जा रहा है, लगता है समय है उनकी साथ नहीं दे रही आज। ओहो समय लिया अंपायर ने और बिल्कुल कुमार धर्मसेना की तरह यहाँ पर उंगली खड़ी की उन्होंने ऊपर, जिस प्रकार कुमार धर्मसेना थोड़ा सा 5 और 6 सेकंड लेते हैं डिसीजन सुनाने में। और पग बाधा यानी लेग बिफोर विकेट के तहत यहाँ पर बल्लेबाज आउट हुए और इस बीच विकेट गिरा है ओसामा आउट हुए इस बीच और टीम का स्कोर है टोटल 32। असलम खान जी से मैं विनती करता हूं कि आइए मंच पर, आपका स्वागत केपीएल कमेटी के द्वारा किया जाएगा, आइए मंच पर। ठीक है, मुनावर पटेल साहब जो हमारे कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक है खेरने गांव के, उनकी तरफ से देखिए हमेशा ऐसे व्यक्ति जो छोटे बड़े में कभी भी यहाँ पर फर्क नहीं फरमाते, सभी को एक ही दर्जा दिया, एक ही प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने। बिल्कुल मुनावर पटेल साहब जो हमारे नगर सेवक के पूरे खेरने गांव के हर एक नागरिक घर घर से जो आया उनका सभी का सम्मान किया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म पर यानी स्टेज पर सभी का स्वागत है। जो यहां पर मैदान पर खड़े उनसे रिक्वेस्ट है स्टेज पर आइए हमारे। स्कोर हो चुका है 33। ओनर है अमान, आप देख सकते हैं जो स्ट्राइक पर होंगे, नॉन स्ट्राइक पर कल्पेश उबाले। ओ इस बार ऑन साइड रीजन में गेंद को खेल दिया है, गेंद को दौड़ कर रन, देखिए सामने की तरफ जो दीवार है वहां पर रन दौड़ के पूरे करने होंगे। ओनर अमान आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटिंग करने आया और स्ट्राइक पर कल्पेश जिन्होंने रन कंप्लीट किया। चलिए इसी के साथ 4 ओवर का खेल हो चुका है पहले इनिंग में और करीब स्कोर आपको हम बताना चाहेंगे, 34 रन बन चुके हैं, 34 रन स्कोर कार्ड पर।
देखिए पैसे आ गए आवेश पटेल के लिए निफास 21-21 ग्रुप की तरफ से, लेकिन मुर्गी का भी यहाँ पर इनामी राशि आता हुआ, अगर कैच पकड़ते हैं तो यहाँ पर दो यहाँ पर मुर्गियों के इनाम रखे गए उनके लिए। जो इसके बाद अगला मुकाबला खेला जाएगा केपी थंडर्स और मापारे टाइगर्स, दोनों कप्तानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आखिरी कॉल टॉस के लिए आपको तैयार रहना है, और टॉस का बॉस खाली करना है जब टॉस किया जाएगा। दोस्तों फिलहाल आप बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे टॉस का बॉस में हम टॉस करने जाएंगे तो आप थोड़ा सा हमारा टॉस का बॉक्स खाली करना है। लेकिन आप देख सकते हैं टॉस के बॉस की तरफ दोस्तों, यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज के लिए चमचमाती हुई साइकिल, ये साइकिल कल किसके घर पर पहुंचेगा? कयूम जी पटेल की तरफ से उनके बेटे जो आप देखते हैं अमान है जो ओनर इस टीम के, 1-6 के लिए 10,000 का इनाम, 5,000 माफ करना 5,000 जो कि आ चुका है। अमान जो अखिल जी पटेल के सुपुत्र है उनकी अगर सिक्स लगाते बल्ले से, अगर सिक्सर आधा दर्जन लगाते हैं तो 5,000 का इनाम रखा गया है, और पैसे आ भी चुके हैं और पैसे वैसे भी घर पर ही रहने वाले हैं। ऑन साइड पर ये बड़ा स्ट्रोक, और देखना अंपायर का सिग्नल क्या होता है, दो रन का यहाँ पर निर्णय आता हुआ, और स्कोर की तरफ आपको लेकर चलेंगे। स्कोर हो चुका है 37 रन, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो हमारे जो खिलाड़ी और जो दर्शक आए हुए उनकी जो टू व्हीलर बाइक खड़ी है रोड पर वो साइड में पार्किंग में लगाना है, वरना टोचन वाला आएगा और आपकी टू व्हीलर बाइक उठा कर ले जाएगा। इस बार सामने की तरफ फ्लैट शॉट, ये बड़ा स्ट्रोक लेकिन रन मिलेंगे केवल दो, और अंपायर का स्टाइल देखिए बिल्कुल एकदम शाहरुख खान की स्टाइल में, यहाँ पर दो रन का इशारा करते हुए और कहते हुए कि इस गेंद पर दो रन आया अमान के बल्ले से। अकीर जी पटेल की तरफ से अमान के जो पिताश्री है, 1-6 के लिए 5,000 का इनाम है। स्कोर टोटल हो चुका है 39। ओहो कोशिश तो की थी बड़े स्ट्रोक के लिए, बल्ला घुमाया था जोर से, लेकिन यहां पर दो की कोशिश और शायद खतरे में जी बिल्कुल, एक तुम्हारी तो एक हमारी, यानी मिला है यहां पर एक रन और साथ में विकेट। हमारे लेजेंड खिलाड़ी जहूर पटेल इनका मैदान पर आगमन हुआ है। देखिए लेजेंड खिलाड़ी जब जब मैदान पर आ रहे हैं ना, इससे पहले जब मुनाफ फकी जी उतरे थे मैदान के अंदर, यस एक रन शॉट है, यानी इस बॉल पर डॉट बॉल है, कोई भी रन नहीं, 39 स्कोर था और 39 स्कोर है। तो हम चर्चा कर रहे थे हमारे लेजेंड और सबसे दिग्गज खिलाड़ियों की, आजाद क्रिकेट के खिलाड़ियों की हम चर्चा कर रहे थे, और इस बीच जिनका आगमन हुआ है मैदान के अंदर जहूर पटेल, जैसे ही मैदान पर उन्होंने शिरकत किया क्लब के माध्यम से, आजाद क्रिकेट टीम के माध्यम से पूरे नवी मुंबई में आजाद और खेलने का नाम मशहूर करने वाले 3-4 खिलाड़ी इस मैच में खेल रहे, जैसे कि आजीज पटेल एक महान बॉलर, जहूर पटेल बॉलर, आसिफ जी फक्की एक अच्छे बैट्समैन, इन्होंने खेरना गांव के नाम को आजाद क्रिकेट टीम के माध्यम से पूरे नवी मुंबई में फेमस किया था। आज वो आज इस KPL के टूर्नामेंट में इस ग्राउंड पर खेल रहे हैं, ये हमारा बड़ा भाग्य है सभी का देखने का उनको। ये तीखा बाउंसर देखने को मिला है। इस बीच आवेश पटेल आपके लिए अभी भी इनामी राशि बिल्कुल कायम है, कैच पकड़ते तो 10,000 निफास पटेल जी की तरफ से 21 ग्रुप, और साथ में बाला भाई की तरफ से दो मुर्गियां, यानी आज और कल आप घर बैठे बैठे यहाँ पर मुर्गियों का यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। देखिए आप जो भी इनामी राशि लगा रहे दोस्तों, पहली बात तो जितने भी अगर सिक्सर का इनाम लगा रहे तो करीब 500 रुपए होने चाहिए, और आपको पैसे यहाँ पर जमा करने हैं कमेंट्री बॉक्स में। ऑन दी टू अपर कट करने का प्रयास था, गेंद थोड़ा सा बल्लेबाज से दूर अवे फ्रॉम द बॉडी, अंपायर का नहीं आता हुआ, ये वाइड डाल बैठे गेंदबाज, यानी अपने स्पेल का एक और एक्स्ट्रा गेंद इनको अब डालना पड़ेगा। स्कोर की तरफ आपको लेकर चलेंगे क्योंकि मैच में रिदम बनाए रखना हमें, 41 रन बन चुके अब तक इस पांचवें ओवर, यानी इनिंग के आखिरी ओवर की गेंदे बाकी है सिर्फ एक। अगले मैच के टॉस के लिए तैयार रहना है केपी थंडर और मापारे टाइगर्स। सिकंदर सत्तर पटेल आइए ऊपर आइए,
केपीएल आपका स्वागत करती है, मंच पर आइए। मैं तो 5 विकेटों के नुकसान के बाद पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए अमन लायंस टीम ने टोटल स्कोर खड़ा किया 42 रन और लक्ष्य है, टारगेट है इस मौजूदा आने वाले अगले इनिंग में 43 रनों का लक्ष्य है और मुकाबला जीतने के लिए सिकंदर टीम को 43 रन बनाने पड़ेंगे। और चलिए टॉस की तरफ हम बढ़ते हैं, यहां पर अगला मैच का टॉस हम करने जा रहे हैं। केपी थंडर्स और मापारे टाइगर्स टीम दोनों कप्तानों को हमने पहले अनाउंसमेंट किया था इनिंग ब्रेक में हम टॉस करेंगे, टॉस के लिए जो कप्तान नहीं उपस्थित होगा तो यहां पर पेनल्टी दी जा सकती है और फटाफट फील्डिंग लगाना है यहां पर अमन लायंस। दर्शक देखिए कितने तादाद में आज पूरा कह सकते, मैंने कहा जैसे आज पूरा खैरने गांव खेलेगा, ये क्रिकेट का फेस्टिवल हमारे मुनावर पटेल साहब की तरफ से जो सौगात है क्रिकेट का, ये फेस्टिवल आप देखते केपीएल इतिहास में पहली बार प्रीमियर लीग का आयोजन खैरने गांव में। मोहित जी पटेल आइए मंच पर, आपका स्वागत होगा, आइए। इमरान पटेल इनका स्वागत हमारे ऑर्गेनाइज कमेटी के सदस्य रिजवान दीवान इनके हाथों किया जा रहा है, आपका बहुत बहुत मंच पर स्वागत है। चलो इमरान पटेल आपको 1000 की धनराशि। हमारे लेजेंड खिलाड़ी फारूक जी पटेल आइए मंच पर, आइए आपका स्वागत होगा मंच पर, आइए लेजेंड खिलाड़ी हमारे आजाद क्रिकेट टीम के। अदनान जी दे दीजिए इमरान पटेल को धनराशि। मुन्ना टांडेल सम्मानीय अतिथि मुन्ना टांडेल के शुभातों से इमरान पटेल जी आ जाइए, खेलने प्रीमियर लीग की कमाई केपीएल की कमाई हो चुकी है, पहले मैच में 1000 की धनराशि की कमाई हो चुकी है। धन्यवाद इमरान पटेल, अगले मैच के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कर्मचारी मुस्तफा भाई हेलो मुस्तफा भाई इनका हम केपीएल की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हजी इलियास पटेल साहब से विनती करूंगा कि उनका मंच पर स्वागत करें। मुस्तफा भाई हमेशा हज को जाने वाले हमारे जो जायरीन है उनकी मदद करते रहते हैं, जब भी उनको फोन करें वो हमेशा आगे चलकर आगे बढ़कर हज में जाने वाले लोगों की मदद किया करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए मंच पर बैठिए, आइए। हेलो सफवान टांडेल और फरहान सुरमे आइए मंच पर, आपका हार्दिक स्वागत है। आशफाक पक्की जी आइए मंच पर, आपका हार्दिक स्वागत है। मुन्ना टांडेल जी मुस्तफा भाई जी मोहम्मद करके जी शाहिद करके जी आइए, आपके हाथों टॉस किया जाएगा। प्रमोद जी आइए आइए, आप सभी लोग आइए, आपके हाथों टॉस का बॉस पर टॉस किया जाएगा। मिस्टर सचिन गिरी जी, मिस्टर सचिन गिरी जी चलिए टॉस के बॉस में जाइए, केपी थंडर्स अगेंस्ट मापारे टाइगर्स अगला मुकाबला, टॉस के बॉस में जाइए। चलिए टॉस के बाद में आ चुके सचिन गिरी जी,
चलो 43 रनों का यानी 43 रनों का टारगेट प्रति ओवर में चाहिए, लगभग 8.5 का रन रेट। पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर दो गेंद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद गई है, दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर दिया इस एक रनों के साथ। स्कोर की शुरुआत स्ट्राइक बल्लेबाज चेक। तो हम टॉस करने जा रहे हैं अगले मुकाबले का, एक तरफ आप केपी थंडर्स और मापारे टाइगर्स यानी मतीन पटेल, तो दूसरी तरफ होंगे अकबर खरके। मतीन कॉल देंगे, टेल का कॉल आया है और टॉस जीत लिया यहां पर मापारे टाइगर्स टीम ने, यानी मतीन भाई आपने टॉस जीता है। 5 ओवर का अगला मैच होगा, क्या निर्णय होगा फैसला? हम लोग फील्डिंग करना पसंद करेंगे, फील्डिंग करने का निर्णय है। और आज देख सकते हैं पूरा खेरने गांव एकजुट हुआ है, एकत्र आप देख सकते हैं एक साथ नजर आ रहा है। ये जब आजाद का मैचेस होता था नवी मुंबई में तो पूरा एक साथ खेरने गांव जाता था, आज वही माहौल देखने को मिलता हुआ यहाँ पर, कि यहाँ पर पूरा आजाद क्रिकेट के खिलाड़ी जो लेजेंड है उनका विशेष सम्मान, सभी का सम्मान होता हुआ। और यहाँ पर ये माहौल के बारे में क्या कहना चाहोगे जो इतना अच्छा माहौल नजर आ रहा है? ये माहौल के लिए एक प्यारा सा शेर कहना चाहूंगा कि एक हो के मिलन की धूप छाव में, एक हो के मिलन की धूप छाव में, हम सब साथ चलेंगे मोहब्बत की राहों में। ये जो प्यारा सा काम तुमने किया है मुनव्वर भाई, इससे एकता ही नजर आएगी अपने गांव में। क्या बात है, क्या बात है मतीन भाई। और मुबीन पटेल, मुबीन हुसैन मियां पटेल से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मंच पर आइए, आपका केपीएल की तरफ से सम्मान किया जाएगा मापारे टाइगर के ओनर आजम मापारे। तो टॉस जीता यहाँ पर मापारे टाइगर्स ने, उन्होंने फील्डिंग लिया है। सबसे पहला सवाल होगा अकबर भाई, अगर आप टॉस जीते तो क्या करते? हम फील्डिंग ही लेते। अगर अब तो आपको बैटिंग करना है, 5 ओवर का मैच है। देखिए मैदान छोटा जरूर है लेकिन खिलाड़ियों का दर्जा और खिलाड़ियों के टैलेंट बड़े बड़े, तो यहाँ पर कितने रन तक पहुंचने की कोशिश होगी? हमारी कोशिश होगी 50-60 रन से, 50-60 तक पहुंचने की कोशिश होगी। क्या कहना चाहोगे आप, एक सीनियर खिलाड़ी हो हमारे आजाद क्रिकेट के और इतना अच्छा माहौल मुनव्वर पटेल साहब ने बना के दिया, क्या कहना चाहोगे इस केपीएल के बारे में? बहुत अच्छा माहौल किए और बहुत सालों के बाद ये दिन आया है और इस वजह से पूरे गाँव के लोग, गाँव के बच्चे बहुत खुश है और सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एकता एक साथ एक सभी एकत्र आए, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ सम्माननीय मुस्तफा भाई रत्नागिरी खेड़ से, जो खास तौर पे महाराष्ट्र में जहां पर क्रिकेट काफी प्रसिद्ध है वहां से आए मुस्तफा भाई। मुस्तफा भाई कैसा लग रहा है, इतिहास में पहली बार ये केपीएल का आयोजन और चारों तरफ दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं? माशाल्लाह यहां आया तो मैं ये केपीएल का गेम एक्चुअली मेरे घर से लाइव शुरू है टीवी पे, तो मैं हमारे जो संदीप है वहाँ पे देखा मैं और माशाल्लाह मैं पूछा तो बोले ये सब मुनव्वर भाई ने सब ये किए हैं और माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। मैं मुनव्वर भाई को केपीएल की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो टॉस जीत लिया मापारे टाइगर्स, मतीन भाई ने और अकबर भाई की टीम सामने होंगी, तो मापारे टाइगर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग लिया है। चलते मौजूदा मैच की तरफ, वहां पर आवाज होगा हमारे वाशी गांव के मनोज जी पाटिल का। अरे जितना जल्दी हो सकता उतना कर, 30 पैकेट भेज बना। हमारे खेरना गांव के फैजुल्ला भाई, इनका मंच पर हम केपीएल की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हाजी इलियास पटेल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे खेरना गांव के बड़े नेक इंसान उमर भाई इनका स्वागत करें, फैजुल्ला भाई का स्वागत करें। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो तो चले एक दशमलव एक ओवर का खेल हो चुका है, टीम का स्कोर बनाया केवल 9 रन, जबकि मंजिल है 43 रनों की, एक विकेट का पतन हो चुका। आसिफ फकी के रूप में अब नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं शाहिद शेख, टीम के मुखिया, टीम के कप्तान। अब यहां से टीम के नैया किनारे लगाने का प्रयास, करवाने का प्रयास करना होगा। 30 गेंदों में बनाने हैं 43 रन, जबकि 7 गेंदों का खेल हो चुका है, अभी भी 23 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए लगभग। आसिफ जी आइए मंच पर, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आसिफ शेख जी।
इस ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार पुल करने का प्रयास किया था, बॉटम से गेंद लगने के बाद शरीर से लगी थी, अब डॉट बॉल का इशारा। आइए मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, केपीएल ऑर्गेनाइज कमेटी आपका स्वागत करती है, आइए मंच पर। चेक हेलो चेक चेक हेलो चेक, तो शायद खिलाड़ियों को लगा हुआ है, फर्स्ट एड बॉक्स होगा तो लेके जाइए प्लीज। क्रिकेट में सचिन देखिए इस तरह के छोटी मोटी चोट लग जाती है, लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स या फिर पानी होना जरूरी है। देखिए फर्स्ट एड बॉक्स की मना किया है, फर्स्ट एड बॉक्स को मना किया है, फर्स्ट एड बॉक्स को मना किया हुआ है, पानी का सेवन करवा दीजिए खिलाड़ी को, देखो भाई ये चोट गंभीर ना हो, ये बात बनी ना भाई। सचिन मैच बहुत ही करीबी मामले होते जा रहे हैं, 43 रनों का टारगेट है, पहले विकेट का पतन हो चुका है, ऐसे स्थिति में शानदार 11, हालांकि रनों का पीछा करवाते हुए विकेट का पतन हो चुका है, यहां से कप्तान के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा, एक बड़ी पारी खेलने की कोशिश करनी होगी। मुझे लग रहा है ऐसे स्थिति में कप्तान का रोल एक बड़ा रोल होता है। 43 सभी भूमि पुत्र, सभी गांव में रहने वाले वरिष्ठ हमारे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आइए मंच पर, खेरना प्रीमियर लीग आपका स्वागत करती है, आपको मंच पर आमंत्रित करती है। खेरना गांव के हमारे सभी मान्यवरों का इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, आइए सभी। खेरने प्रीमियर लीग सचिन गिरी जी, ये खेरने की अपनी घर की प्रतियोगिता है, यहाँ पर आने वाला हर शख्सियत बतौर मेहमान के रूप में ही आएगा। हमारे कौसा गांव से आए हुए मेहमान फरहान सुरमे, इनका सत्कार हाजी इलियास पटेल साहब करेंगे। आपका इस मंच पर केपीएल ऑर्गेनाइज कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत है, साथ ही हमारे सफवान टांडेल, इनका स्वागत इलियास हाजी साहब करेंगे। मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर, इस बार फिर से पंच कर दिया, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है, मिलेंगे यहां पे बैक टू बैक दूसरा छक्का, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 लॉस टू 1 विकेट, यानी 9 रनों के साझेदारी के बाद पहले विकेट का पतन हुआ था और दूसरे विकेट के लगभग 12 रनों की साझेदारी, एक जबरदस्त साझेदारी। सचिन देखिए बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी चल रही है, लेकिन चर्चा पूरी तरह यहाँ पर खेरने प्रीमियर लीग की हो रही है, रत्नागिरी खेल से कई हमारे मेहमान आए हैं, समय गिर जाता है तो कप्तान की जिम्मेदारी फिर से बढ़ जाती है, इस बार फिर से गेंद को ढकेलने का प्रयास, लेकिन यहाँ पे जाना पड़ेगा अमन शेख, शायद कैच पकड़ा है, टीम के शायद ओनर भी है, डीप एक्स्ट्रा कवर, बहुत ही शानदार कैच, विकेट का पतन, दूसरे विकेट का पतन होता हुआ शानदार 11 के टीम का कप्तान शहद शेख के रूप में। चलिए डीजे मास्टर आ जाइए, और उनकी खुशी जाहिर करी कि मैच भी जीत लिया है। जो हमारे ऑफ साइड में जो हरी कलर की जो ग्रिल नजर आ रही है वहां पे कुछ दर्शक बैठे हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगा पर्दे के पीछे आप बैठिए, मैच में किसी प्रकार की दुविधा नहीं आनी चाहिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। और हाँ धन्यवाद धन्यवाद, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी आवाज हमारे यहाँ पर जो अनाउंसमेंट की थी उसको आपने सम्मान दिया और वो नियमों का पालन किया। यस हमारे मनोज जी पाटिल सर, ठीक है सचिन गिरी जी, हर दर्शक का सम्मान होना जरूरी है, मुझे लग रहा है कि छाव का मजा लेकर क्रिकेट का लुत्फ उठाना चाहते हैं। फिलहाल टीम के स्कोर पर नजर डालते हैं, स्कोर पहुंचा है 27। इस बीच मुनावर भाई पटेल, इनका लड़का आया है अली अलीश भाई, इनका इस प्रतियोगिता के माध्यम से दहेज से स्वागत। चले गेंदबाज ने थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी, कप्तान ने पूरी तरह से हमला बोल दिया था और वहां से कप्तान का विकेट उन्होंने हासिल कर दिया। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं अनवर खान, टीम का स्कोर 27 जबकि मंजिल है 43 रनों की, अभी भी इस मैच को जीतने के लिए लगभग 17 रनों की आवश्यकता है। कैफ खान देखिए पेशे से एक अच्छे फुटबॉलर भी है और फीफा का जो आयोजन किया गया था फुटबॉल में इस बार नवी मुंबई में, तो मुंबई एफसी जो इतनी बड़ी यहाँ पर फ्रेंचाइजी है फुटबॉल की उसमें भी नेतृत्व करने वाले हमारे खेरने गांव के
और सबसे टैलेंटेड क्रिकेट में भी और फुटबॉल में कैफ खान फिलहाल बॉलिंग मोर्चे। देखिए आपने सचिन फुटबॉल की बात किया, फुटबॉल की खास करके रोनाल्डो ने कहा था कि फुटबॉल जो है वो बहुत ही जोशीला खेल है जबकि क्रिकेट है वो आलसी लोगों का खेल है। तब सचिन तेंदुलकर ने रोनाल्डो को अपनी तरफ से पूरा उल्टा जवाब दिया था कि क्रिकेट जानलेवा खेल होता है। 80 बड़े स्कोर पहुंचा है 27 के बाद 28 रन। हमारे इलियास हाजी साहब कर रहे हैं, केपीएल ऑर्गेनाइज कमेटी की तरफ से आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। मैं रिजवान दीवान से कहूंगा कि वो हमारे रजा का भी सत्कार करे। चले सम्मान होना बहुत जरूरी। फिलहाल टीम का स्कोर पहुंचा है 28। इस बार डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में अराउंड द कारपेट शॉट एक रन लिया है, दूसरे की कोशिश जी नहीं करेंगे, एक से संतुष्ट रहना होगा। तो इस एक रन के साथ शानदार 11 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ केवल 29 रन। देखिए आज शनिवार है फिर भी काफी ज्यादा दर्शक आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन कल तो फाइनल डे इस प्रतियोगिता का यानी रविवार, और दर्शक आपको देखने को मिलेंगे। खेरने प्रीमियर लीग पूरा खेरने गांव आपको खेलता हुआ नजर आएगा। हाजी फकीर मोहम्मद पटेल फाउंडेशन आयोजित है प्रतियोगिता। अंदर आई शॉट खेला, आसमान में गेंद को तान दिया है, खिलाड़ी बॉल के नीचे, ओहो क्या छूटा, आप मैं तू मैं करते करते यहाँ पर कैच छूट गया है। और देखिए एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए, अगर गेंद का चेहरा देखते तो शायद विकेट का पहरा देखने को मिल सकता था। एक दूसरे से नाराज वहां पर खिलाड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, होता है, क्रिकेट का खेल है दोस्तों यहाँ पर। और कैच ड्रॉप हुआ है, जीवन दान मिली है यहाँ पर बल्लेबाज को। स्कोर हो चुका है टोटल अब 31-31, 12 रनों की आवश्यकता यहां से 14 गेंदों में। रौनक जी तांडेल हमारे स्कोरर बताते हुए, क्रिक लाइव यानी यूट्यूब के जरिए प्रतियोगिता दोस्तों घर घर दिखाया जा रहा है, सीधा प्रसारण। सचिन जी मुंडे हमारे सर्वे सर्वा, बंटी तांडेल और आज तेजस और कैमरामैन हमारे, खासतौर पर देखा जाए तो कैमरामैन की बात करें तो साहिल काफी अच्छा कार्य करते हुए। क्रिक लाइव जो हमारे दर्शक जुड़े, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज केपीएल में जितने भी बल्लेबाज अगर लगातार अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनके वीडियो क्लिप बनाए जाएंगे। स्कोर हो चुका है टोटल 31, 12 बॉल में जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता। देखिए मेहमान भी बीच बीच में आ रहे हैं, उनका सत्कार उनका सम्मान करना भी जरूरी है। थोड़ा सा अभी फिलहाल लगातार कमेंट्री में फोकस थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि बीच बीच में स्कोर हम थोड़ा सा लेट बता रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, उनका सत्कार करना भी जरूरी है। एक बार जैसे माहौल बनेगा एक बार फिर तो शानदार मैच। अब से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अलीमगढ़ जी, मैं अनवर को कहूंगा कि वो आलमगीर जी का सत्कार करें। देखिए मैच में फोकस रखिए दोस्तों, 12 गेंदे 12 की आवश्यकता है। हमारे खेरना गांव के अयुब भाई सलमान आफिज जी, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मंच पर आइए, आपका स्वागत हमारे। बारह गेंदे और जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता, दोनों ही डगआउट में बिल्कुल टेंशन का माहौल नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैच अभी तक खुला हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई दबाव है दोनों टीमों के पास, जहां से विकेट लेने होंगे मैच में वापसी हो तक से हो सकती है अमन लायंस की टीम की, जो शानदार 11 की यही सोच होगी कि एक बड़ी पार्टनरशिप की तैयारी करनी होगी। खेरना गांव के हमारे उद्योजक भाई बस्सम जी, इनका मंच पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं केपीएल कमेटी की ओर से। कमेटी की ओर से आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। चलिए इस बीच सिंगल आता हुआ स्कोर हम बताना चाहेंगे क्योंकि सेकेंड इनिंग चल रहा है, रन चेज में बल्लेबाजी कर रही है शानदार 11। 33 बन चुके हैं यहां पर, यानी जीतने के लिए यहां से जो 43 का लक्ष्य था, आप केवल 10 रनों की आवश्यकता, 10 रन बनाने हैं और यहां पर गेंदबाजी दमदार करनी होगी। देखिए यहां से अगर मैच में वापसी करवानी है अमन लायंस के टीम को तो केवल विकेट एकमात्र विकल्प होगा, अगर विकेट नहीं निकाल पाएंगे सचिन तो फिर मुश्किलें बढ़ेगी, गेंदबाज के ऊपर खासा दबाव होगा। दाहिने हाथ से और दो विकेट नजदीकी सिली में उड़ा, नजदीकी सिली में उड़ा, उसके बावजूद भी मिलेंगे यहाँ पे 2 रन, तो 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 लॉस्ट टू 2 विकेट।
अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता। देखिए 8 रन चाहिए, लेकिन मैदान पर एक एंड से जो खूटा गाड़े हुए खिलाड़ी बुम बुम शाही शेख, आरम पटेल को इनकी विकेट लेनी होगी अगर वापसी करनी है अमान लायंस टीम को। फुल टॉस की बॉल थी, यहाँ पर लॉफ्ट कर दिया गेंद को, लेकिन जिस एरिया में गेंद जा रहा है वहां पर मिलेंगे सिर्फ 1 रन। खेरने प्रीमियर लीग KPL, अब देख सकते हैं ये ऑर्गेनाइज किया गया प्रतियोगिता हमारे हाजी फकीर मोहम्मद पटेल फाउंडेशन, यानी इस प्रतियोगिता के मार्गदर्शक, इस प्रतियोगिता के सर्वे सर्वा मुनावर पटेल साहब, और आज पूरे खेरने गांव के सभी हमारे नागरिकों का यहाँ पर मंच पर यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि आपके हक का ये स्टेज है, आप आ सकते हैं और बैठ सकते हैं और आपका विशेष सम्मान किया जाएगा। दोस्तों चलिए सचिन जी बिल्कुल सही बात छेड़ी है, इस मैदान पर आप खिलाड़ियों के तांता लगा हुआ है, इस बीच केवल 1 रन मिलेगा, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37, केवल इस मैच को जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता, अभी भी इस ओवर की कुल मिलाकर 2 गेंदें बची, यानी 8 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता। मैच पूरी तरह से शानदार 11 के पक्ष में जाता हुआ, यहां से विकेट एकमात्र विकल्प होगा अमन लाल की टीम को, अगर मैच में वापसी करवानी है तो विकेट निकालने का प्रयास करना होगा। गेंदबाज की तरफ से कोशिशें लगातार जारी, इस बार फुल टॉस गेंद डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, नो बॉल का इशारा, ये बेनिफिट मिलेगा बल्लेबाजी करने वाले टीम को। देखिए ये तो गरीबी में आटा गीला हो गया मनोज पाटिल सर, क्योंकि सिर्फ 6 ही रन चाहिए थे, गेंदे 8 थी, ये तो ऐसा लग रहा है ईद के पहले आप तोहफा दे रहे हैं सामने वाली टीम को। देखिए ऐसा तो नहीं, गेंदबाज ने पहले से अपनी हिम्मत हारी है, ये तो दर्शाता है गेंदबाज ने पहले से अपनी हिम्मत हारी है, क्योंकि मैच में ज्यादा तो स्कोर बना रहा नहीं है, अभी भी 8 विकेट हाथ में है, शानदार 11 का पक्ष जो है अभी भी मौजूद दिख रहा है, इसे 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन, केवल 3 रन दूर, नजदीकी से लिमिट ऑफ, दो खिलाड़ी लगभग 10 गज के दायरे के अंदर रखे, लेकिन उसके बावजूद भी रन लेने की जो कोशिश है लगातार जारी है। चलिए इसी के साथ अब सिर्फ जीतने के लिए 1 रन की आवश्यकता, क्योंकि आरम पटेल ने बाय 1 गेट 1 फ्री दिया सामने वाली टीम को, 1 नहीं 2 रन ओवर थ्रो में, तो 6 गेंदों में जीतने के लिए सिर्फ 1 रन की आवश्यकता। नेक्स्ट मैच जो इसके बाद खेला जाएगा केपी थंडर और मापारे टाइगर्स, 1 बॉल बाकी अभी भी, 7 बॉल 1 रन की आवश्यकता, पुल कर दिया गया इस बीच। चलिए दर्शकों से विनंती है आप साइड से बाहर जा सकते हैं, मैदान के बीच मैदान के अंदर से मत जाइए, रिक्वेस्ट है, मैच जरूर यह समाप्त हुआ है, इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा मापारे टाइगर्स मतीन जी पटेल से कि फील्डिंग लगानी है फटाफट, मैन ऑफ द मैच की तरफ बढ़ेंगे। मैं हमारे खेरना गांव के उद्योजक भाई बस्तम जी शेख, इनका मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आजी इलियास पटेल साहब से विनती करता हूं कि वो बस्तम जी शेख इनका स्वागत करें। देखिए सभी से रिक्वेस्ट होगा मैदान पर गर्दी नहीं रखनी है और साइड से आपको जाने है, और जिसकी अभी मैच है उस टीम से रिक्वेस्ट होगा फील्डिंग लगानी है फटाफट। देखिए स्प्रिट देखिए कैसे हारने के बावजूद भी एक दूसरे को शेक हैंड कर रहे, ये 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 जरूरी होता है, ये खेल की प्रतिभा होती है।